दक्षिण कोरिया सभ्यता और टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। और भी ऐसे कुछ रोचक बातें हैं जो आज हम आपके लिए लाए हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्वागत है आपका चैनल विश्व रहस्य में। यहाँ हम आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बहुत सी ऐसी कहानियाँ और किस्से बताएंगे जो आपको रोमांचित कर देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये रहस्य है या फिर हकीकत। शुरू करते हैं दक्षिण कोरिया की कुछ रोचक बातें। दक्षिण कोरिया लोग 4 नंबर को बदकिस्मत मानते हैं और उसके अनुसार ये नंबर मृत्यु से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये अफवाह चाइना से होकर दक्षिण कोरिया में आई। कोरिया में नवजात शिशुओं को जन्म के समय ही 1 वर्ष का मान लिया जाता है। दक्षिण कोरिया के पुरुषों को मेकअप करना पसंद है। वे साल में तकरीबन 900 मिलियन यूएस डॉलर इस पर खर्च करते हैं और ये आंकड़े दुनिया में पुरुषों द्वारा कुल उपयोग की जाने वाली मेकअप की कीमत का 25% है। जानकारों के अनुसार 20% से भी ज्यादा कोरिया पुरुष रोज मेकअप का उपयोग करते हैं। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक जगहों पर अल्कोहल पीना वैध है। लोग अपनी पसंदीदा अल्कोहल को सार्वजनिक जगहों पर ले जाकर आराम से पी सकते हैं। 3.2% कोरियाई लोगों का ही वजन ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे कम मोटे लोगों वाले देशों की सूची में जापान के बराबर है। जब कोरियाई व्यक्ति का नाम लाल स्याही से लिखा जाता है तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि या तो वह व्यक्ति मरने वाला है या फिर मर चुका है। दक्षिण कोरियाई लोगों का ऐसा मानना है कि पंखे को रात भर चालू रखा हुआ छोड़ देने से इसके नीचे सोने वाले इंसान की मृत्यु हो जाती है। दक्षिण कोरिया के टैक्सियों का रंग उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसमें ग्रे और सफेद रंग की कार साधारण कार होंगी, जिनमें बिना अनुभव वाला ड्राइवर भी हो सकता है, जबकि काले रंग की कार सुविधाओं से युक्त होती है, जिसमें अनुभवी ड्राइवर होता है। एप्पल के आईफोन की माइक्रोचिप दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ही बनाती है। टोक्यो के साथ साथ सोलिटेस में भी दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे कम समय होते हैं। वहाँ के लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं। दुनिया भर में होने वाली समुद्री शैवाल की खपत का 90% दक्षिण कोरिया में हार्वेस्ट किया जाता है। सभी दक्षिण कोरियाई छतों को अंत में मुस्कान की दिखावट दी जाती है। दपर कैपिटा प्लास्टिक सर्जरी के मामले में दक्षिण कोरिया का बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है। सूत्रों के अनुसार सियोल में 1/5 से 1/3 महिलाएं अपनी जिंदगी में एक बार तो किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती ही करवाती है। ग्रुप ब्लाइंड डेटिंग को दक्षिण कोरिया में मीटिंग कहते हैं और युवा यूनिवर्सिटी के छात्रों में ये काफी प्रसिद्ध है। अक्सर इसका उपयोग डिनर या ड्रिंक्स के लिए किया जाता है। दक्षिण कोरियाई लोगों को अपने संबंधों को सार्वजनिक जगहों पर दिखाना अच्छा लगता है। दक्षिण कोरिया में अक्सर हम सार्वजनिक जगहों पर युगलों को किस करते हुए देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया में लोगों को जन्म के बाद ही उनके ब्लड ग्रुप के आधार पर बांट दिया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जापान में हुई थी, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की संस्कृति का ये मुख्य नियम बन चुका है और इसी के आधार पर शायद ये भी निश्चित किया जाता है कि कौन किससे शादी करेगा। दक्षिण कोरियाई लोगों को मीठे आलू बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर डिशों में मीठे आलू का उपयोग किया जाता है। 2012 में दक्षिण कोरिया के पोहांग शहर का जेल दुनिया का सबसे पहला रोबोटिक जेल गार्ड का घर बना। ओम जेजू दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं पे बूढ़े दादा के नाम से जाना जाने वाला विशाल पत्थर पाया गया था। नव विवाहित महिलाओं का ऐसा मानना है कि यदि उन्होंने इस विशाल पत्थर की विशाल नाक को छू लिया तो उन्हें प्रजनन का आशीर्वाद मिलता है। क्रेन दक्षिण कोरिया में एक अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है। लाल ताज वाला क्रेन तकरीबन 5 फीट तक खड़ा रह सकता है। ये थी दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी ऐसे रोचक बातें जानने के लिए देखते रहिए विश्व रहस्य।